हाय गाइस, तो रियलमी ने कुछ ही महीने पहले अपने दो स्मार्टफोन्स को लॉन्च किया था जिनके नाम थे रियलमी X2 एंड X2 Pro। और अभी रिसेंटली रेडमी ने भी अपने दो नए स्मार्टफोन्स को लॉन्च किया है जिनके नाम है रेडमी K30 एंड K30 Pro। तो अभी रिसेंटली हमें कुछ ही दिनों में रियलमी के X3 एंड X3 Pro वेरिएंट देखने को मिल सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे X3 एंड X3 Pro के कुछ कन्फर्म स्पेक्स की जो कि लीक हो चुके हैं। बात करते हैं इसकी लॉन्च डेट की। रियलमी X3 एंड X3 Pro ये हमें एंड ऑफ अप्रैल या फिर मई की स्टार्टिंग में देखने को मिल सकता है। और इस फोन का सबसे अट्रैक्टिव फीचर होने वाला है इसका कैमरा। जैसा कि रियलमी के सीईओ माधव सेठ ने रिसेंटली बताया था कि वो अभी 108 मेगापिक्सल के कैमरा के ऊपर वर्क कर रहे हैं। तो उसके बाद रियलमी के नए फोन की मार्केट में काफी बेसब्री से इंतजार शुरू हो चुकी थी, क्योंकि रियलमी के फोन काफी अफोर्डेबल प्राइस रेंज में अवेलेबल होते हैं। तो इस फोन की बैक साइड में हमें क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल सकता है जो कि होंगे मैक्रो लेंस, डेप्थ सेंसिंग, वाइड कैमरा एंड प्राइमरी कैमरा। और इसके कैमरे में रियलमी सैमसंग का ही सेंसर यूज करेगा, क्योंकि रियलमी ने अभी तक अपने सभी फोन में सैमसंग का ही सेंसर यूज किया है। बात करें इसके फ्रंट कैमरा की, तो इसमें हमें 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल सकता है। लेकिन इसका जो फ्रंट कैमरा होगा वो पॉपअप सेल्फी कैमरा हो सकता है। जैसा कि Redmi K30 Pro में भी हमें पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिला था, वैसा ही पॉपअप सेल्फी कैमरा हमें इस फोन में भी देखने को मिल सकता है। और 108 मेगापिक्सल का रियर कैमरा सेटअप हमें X3 Pro वेरिएंट में देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं इसकी बैटरी की। ये फोन हमें 4300 या फिर 4500 mAh की बैटरी सपोर्ट के साथ देखने को मिलेगा, और इसमें हमें कम से कम 30 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलेगा। कि Realme 6 जो कि 13,000 रुपीस में अवेलेबल है मार्केट में, उसमें भी हमें फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिलती है इतने कम प्राइस में भी। तो अपने X3 एंड X3 Pro वेरिएंट में वो फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट तो जरूर देंगे। अब बात करते हैं इसकी डिस्प्ले की। ये हमें 6.5 इंचेस या फिर 6.6 इंचेस AMOLED डिस्प्ले में देखने को मिलेगा। और इसकी फ्रंट स्क्रीन में ही हमें बिल्ट इन फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को भी मिलेगा। जैसा कि इसके लीक्स वाले डिजाइन में हम देख सकते हैं, इसकी साइड्स एंड बैक साइड पे भी कोई भी फिंगरप्रिंट स्कैनर की सपोर्ट देखने को नहीं मिल रही है। Realme X3 में हमें 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल सकता है, लेकिन Realme X3 Pro वेरिएंट में हमें 90 हर्ट्ज या फिर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को जरूर मिलेगा। कमाल की बात ये भी होगी अगर ये अपने Realme X3 वेरिएंट में 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिले, तो ये फीचर इस फोन में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव हो सकता है, स्पेशली इस प्राइस रेंज में। अब बात करते हैं इसके प्रोसेसर की। Realme X3 Pro वेरिएंट तो हमें फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ ही मिलेगा, जिसमें हमें Snapdragon 865 प्रोसेसर देखने को मिल सकता है। और वही बात करें इसके बेस मॉडल की, तो उसमें हमें Snapdragon 730G का प्रोसेसर देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं इसकी प्राइस रेंज की। जो Realme X3 Pro वेरिएंट है फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ, उसका प्राइस रेंज हमें कम से कम 25,000 तक देखने को मिल सकता है। और वही बात करें Realme X3 की, तो उसका प्राइस 20,000 के आसपास देखने को मिल सकता है। इस फोन के लॉन्च टाइम पे Realme को सबसे ज्यादा ध्यान इन दोनों फोन्स के प्राइजेस का ही रखना पड़ेगा, क्योंकि इस प्राइस रेंज में हमें काफी ज्यादा कंपटीशन देखने को मिलता है। फिलहाल के लिए वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो के बारे में आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल।